हाँ जी, बेसिकली एक शॉर्ट फिल्म है जागो और जियो, और ये बनी है सुसाइड प्रिवेंशन पे कि सुसाइड नहीं करना चाहिए। तो जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है सबका सबको बहुत डिप्रेशन हो रहा है, तो मैंने मई में ये टॉपिक सोचा था और फिर राम भाई के सपोर्ट से इसे मैंने बनाया, और पूरे लॉकडाउन के दौरान सारे रूल्स फॉलो करके ये फिल्म बनाई गई है। ये पहली ऐसी फिल्म है, यू नो, पूरी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। गोफी सर ने बहुत सपोर्ट किया उसमें, हमने मतलब इसके जो रिहर्सल्स किए हैं जूम पे किए हैं, ऑनलाइन किए हैं, और कुछ लोगों ने सीन शूट करके भेजे हैं, एंड फाइनली बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना है। और हम मैसेज देना चाहते हैं कि यू नो सुसाइड कभी भी एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए। तो ये सो आई जस्ट होप लोग देखें, और अगर 10 लोग भी ये फिल्म को देख के थोड़े इंस्पायर हो गए तो मेरे लिए जीत होगी। सिद्धांत, जानना चाहूंगा कि ज्यादातर लोग एक्टर बनने के ख्वाहिश रखते हैं, डायरेक्टर बने हैं, राइटर बने हैं, क्या ऐसा इंस्टिंक्ट था जो कि आपको इंस्पायर किया? एक्चुअली पता है, मैं बोर्डम से डायरेक्टर बन गया, क्योंकि जब इतने 2-3 महीने सब घर में लॉक थे तो था ही नहीं कि क्या करें। तो वैसे तो मैं थिएटर एक्टर हूँ, मतलब हम महाभारत एंड एपिक टेल हमारा बहुत फेमस प्ले है ना, पूरे इंडिया में नंबर वन लाइव थिएटर प्ले है। लेकिन 2 महीने घर पे बैठे बैठे इतना बोर हो गया था कि मैंने बोला यार कुछ एक शॉर्ट फिल्म का कॉन्सेप्ट लिखता हूँ। पहले जब लिखा तो मैं फेसबुक के लिए एक इंस्पिरेशनल वीडियो बनाने वाला था। डैड ने कहा वेस्ट मत कर, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, राम भाई को सुना। राम भाई ने बोला इसको तो तुम बना ही दो कैसे भी करके। तो बस एक इंसिडेंटल में बन गया। मतलब तो क्या था कि ये अब पिछले 8 साल से थिएटर कर रहा है, सो ये थिएटर करता है। सो ये लॉकडाउन के दौरान जो लॉकडाउन, ये जो महामारी जो कोविड हुई है, इसका असर सब पर हुआ है। ये पूरे विश्व भर के लिए, न केवल हमारे देश के लिए, एक संकट की घड़ी थी, और इसमें धैर्य संयम की आवश्यकता थी। तो उस वक्त सभी डिप्रेशन से थे, और स्पेशली खास करके वे कलाकार जो बेचारे रोजमर्रा रोज काम करते हैं, जो पोएट्री रिजिस पे जो वोकस काम करते हैं, उन पर क्या गुजर रही होगी। अगर हम जैसे लोग घरों में बैठ के अपने आप को एक बर्डन, एक प्रेशर महसूस कर रहे थे, तो उस समय मुझे याद है ये कहानी सिद्धांत ने मुझे फर्स्ट वीक ऑफ मे में सुनाई थी कि डैड मैंने कुछ ऐसा सोचा है। जब सुनाई तो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो कहने लगा कि डैड मैं सोचता हूँ फेसबुक पे इसको एक छोटा सा इंस्पिरेशनल वीडियो बना के डाल दूँ। तो मैंने कहा नहीं सिद्धांत, बहुत खूबसूरत ये है, इसको इसका वेस्ट मत करो, लेट्स मेक इट इनटू अ फिल्म। आप माने कि हमारी स्क्रिप्ट जो है वो हमने राइटर्स एसोसिएशन में उसको रजिस्टर की सिद्धांत ने 10 मई को, और फिर राम भाई को जब सुनाया तो राम भाई ने कहा पुनीत जी इट इज ब्रिलियंट, मैं आपके साथ जुड़ता हूँ और ये फिल्म को हम बनाएंगे बनाएंगे। तो कहते हैं उन्हें सुनते ही उनका भी राम भाई की वजह से ही हुआ है, जो इन्होंने मुझे प्रोत्साहन दिया कि पुनीत जी लेट्स डू इट। फिर हमने सिद्धांत से कहा सिद्धांत इस पर काम करो। फिर स्क्रिप्ट सिद्धांत ने जब लिखी तो फिर था कि अब ये लॉकडाउन के दौरान कैसे हम फिल्म बनाएंगे, बहुत मुश्किल था। तो गूफी, मेरे मामा श्री, प्रिय मामा श्री, तो मैंने उनसे कहा कि गूफी आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म। और इन्होंने इतना सूक्ष्म, इतना इमोशनल कैरेक्टर किया है। तो जब उन्होंने सुना, उन्होंने कहा, फिर विजेता भरद्वाज जी हैं, इनको कहा फोन पे कि विजेता ये ऐसा सब्जेक्ट करने जा रहे हैं, आप सोचिए कुछ कर सकते हैं। बोलते ठीक है पुनीत जी, आई विल बी विद यू। लोकेश से बात की, इसने कहा कि सर आई एम ऑन। सभा मैम से बात की, इन्होंने कहा। फिर हीरोइन ढूंढनी थी, लड़की कौन होगी क्या होगी, तो इस कनेक्शन, इस बच्ची को हमने बात की। अब उस लॉकडाउन के दौरान कहाँ पे बाहर नहीं निकल सकते, इट वाज एट द पीक, सब ने सबको स्क्रिप्ट हमने ईमेल की, लोगों ने घरों में बैठ के याद किया, फिर हमने जूम कॉल पे हमने उस पर आपस में रिहर्सल करनी शुरू की। इनफैक्ट इस फिल्म के अंदर एक हमारे एक मित्र हैं, मेरे छोटे भाई हैं राहुल बच्चन, जो हमारे फेलिसिटी थिएटर के ओनर हैं, जो महाभारत जो हमारा प्ले है उसके प्रोड्यूसर हैं, वो दिल्ली में, उनके लिए कैरेक्टर। तो उनके साथ फिर बात की, वो वहाँ डायलॉग याद कर रहे हैं। और फिर एक गुरिल्ला शूटिंग जो होती है बड़ी मुश्किल थी, कैसे करें, अच्छा पूरी शूटिंग से बिल्डिंग अंदर ही करनी है, और नॉर्म है कि 4 आदमी से ज़्यादा ऊपर इकट्ठे नहीं हो सकते। तो सारे नियमों का पालन करते हुए तीनों हमने ये फिल्म बनाई। अब स्पॉट बॉय भी सिद्धांत, स्पॉट बॉय का भी काम इसने किया, लाइटमैन का भी काम किया, मैं असिस्टेंट मेकरमैन का भी काम किया, ये शॉट देखते वो इसको कार्ड दिखा रहा है। और ये वर्क ऐसे जो है इस फिल्म के दौरान मैंने एक चीज रियलाइज की कि जो डेली वेज वर्कर होते हैं, जो मजदूर होते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। और क्योंकि मैं उनका काम कर रहा था, तो थे नहीं स्पॉट बॉयज, नहीं थे लाइटमैन, नहीं थे मेकअप वाले, नहीं थे। तो ये जो फिल्म है मैं उनको डेडिकेट करना चाहूँगा, एंड जो हमारे इंडस्ट्री के जो बड़े स्टार्स हैं जो उनको डोनेशन दे रहे हैं, लाइक सलमान सर हो गए, अक्षय कुमार सर हो गए,
स्पेशल थैंक्स टू देम बिकॉज यू नो इस बार मैंने रियलाइज किया कितने इंपॉर्टेंट होते हैं डेली वेज वर्कर्स। सर मैं आई एम ऑलवेज प्रिविलेज टू वर्क पुनीत एंड हिज सन हैज कम अप। तो इस वक्त अगर मेरी ज़रूरत किसी भी हालत में है तो मैं तो भागा वैसे ही जाऊँगा क्योंकि मैं तो लड़ पड़ूंगा अगर मेरे से ना कुछ करवाएंगे। इट शुड बी माई प्रिविलेज और मैं बड़ा हैप्पी हूँ कि एक ऐसा सब्जेक्ट बच्चे ने हमारे चुना जो कि आजकल की ज़रूरत है क्योंकि सुइसाइड जो है इज़ नॉट द सोल्यूशन। आपको उसके ऊपर कैसे काबू पाना है, अपने आप कैसे लड़ना है। मुसीबतें आती हैं ज़िंदगी में लेकिन उन मुसीबतों से लड़ना आगे बढ़ना भी एक मनुष्य का कर्तव्य है। और जैसे कि इन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि 84 लाख जन्म लेने के बाद कीड़ों मकोड़ों के बाद आपको ये मानव जो है शरीर मिलता है मनुष्य का जीवन। हाँ, उसके बावजूद आप इसको अगर ख़त्म कर दें तो शर्म की बात है, ये मानव जाति में। वेरी हैप्पी जो है ये समस्या का समाधान नहीं है। नहीं है, नहीं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि इन्होंने एक ऐसा सब्जेक्ट चुना जो रेवोल्यूशनरी वे है और कुछ कहता है और फिक्शनलाइज भी बहुत खूबसूरत तरीके से किया है इन्होंने टेक्निकली। तो ऑफकोर्स और ये शरीर मेरा अपने आप का नहीं है, इसमें माता पिता का अधिकार है, बहनों का अधिकार है, सबका अधिकार है। और हम अपनी इच्छा के थ्रू कई इच्छाओं को मारते हैं। तो ये मैसेज एक है जो मैसेज के लिए एक हिसाब से बनी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि देश विदेश में मैसेज जाना चाहिए। इसके लिए सिद्धांत के पीछे में इसमें खड़ा हुआ हूँ पुनीत जी के आशीर्वाद से। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं खुद लॉकडाउन के वक्त 3 महीने जो लोनलीनेस से गुजर रही थी एंड इनफैक्ट मुझे खुद को ही ऐसे ख्याल आने लगे थे, इतना लोनलीनेस था, इतना मतलब कह रहे ना कोई और दिख ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि वॉचमैन एक मैसेज देने आ रहा है बस और कोई दिख ही नहीं रहा है। तो उसी दौरान मुझे सिद्धांत का कॉल आया था कि तुम ये मूवी करोगे। जब खुद मेरे दिमाग में ये ख्याल आने लगे थे कि मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जैसे कैंसिल हो गए थे उसी वक्त, मेरा अब्रॉड का टूर था थिएटर का वो कैंसिल हो गया था और काफ़ी इवेंट्स कैंसिल हो गए थे, मेरी साउथ की मूवी कैंसिल हो गई थी। और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी पता नहीं ये कोरोना कब ख़त्म होगा और कब मैं यहाँ इससे बाहर निकल पाऊँगी, मुझे ऐसा लग रहा था। और जब मैं पूछती थी कि मेरा पेमेंट कब होगा, जो बाकी है आप कब पेमेंट दोगे, उसके भी यही जवाब आते थे कि पेमेंट तो कहते हैं ना अभी तो लॉकडाउन है। इनफैक्ट अभी भी जिन लोगों ने पेमेंट दिया आधे काट काट के दिया, बोला कि अब अगर आपको लेना है तो लो वरना अगले 6 महीने। तो मैं आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट, मतलब इतना खुद ही नेगेटिव हो रही थी मैं, तभी सिद्धांत का कॉल आया। मुझे तो लग रहा है वो जो इस मूवी में पोर्ट्रे किया है इट्स अ रियलिटी और मैं इतनी ज़्यादा कनेक्ट हो गई उसकी स्टोरी से कि यार ये तो ये जो जो बोल रहा है ये तो मेरे साथ पास्ट में हो भी चुका है एंड इट इज़ सो मच रियल, मतलब इतना रियलिटी है स्टोरी में, आई मस्ट डू इट। और उसके बाद सिद्धांत ने इस पर बहुत हार्डवर्क किया, इनफैक्ट रिहर्सल पर भी उसने मेरी बहुत हेल्प की है। पुराने दोस्त हैं सिद्धांत का, मेरे पास कॉल आया एक दिन, उसने बताया कि बाबा ऐसे ऐसे करके एक फिल्म बना रहा हूँ मैं और इस फिल्म में ऐसा ऐसा मैसेज है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज इन सच अ हार्श टाइम्स। तो मुझे लगा कि यार इट्स अ ग्रेट आइडिया, तो मैंने बोला यार जहाँ तू वहाँ मैं और ऑलवेज टुगेदर, वी आर ऑलवेज टुगेदर एंड वी आर लाइक फैमिली। और एक ये मैसेज पहुँचना चाहिए सब तक बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल द एक्टर्स, ऑल द पीपल, यंगस्टर्स, हर कोई इस लॉकडाउन में बहुत ही बुरे वक्त से गुजर रहा है। सो आई थिंक लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी प्रीशियस। तो यही मैसेज है और बहुत अच्छा मैसेज। मैं इनकी मदर का रोल कर रही हूँ और गोपी पेंडल जी मेरे हस्बैंड बने हैं। पुनीत जी के साथ तो बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, तो उन्होंने फ़ोन किया और जब थोड़ा सा आइडिया दिया और पता लगा सिद्धांत कर रहा है और इतना अच्छा सब्जेक्ट है। ये कोविड के दौरान मैं कुछ काम नहीं कर रही हूँ क्योंकि बच्चे भी मना करते हैं और ख़ुद को भी थोड़ा ये लगता है, लेकिन ये सब्जेक्ट ऐसा था कि मैंने सोचा कि ये करना ज़रूरी है। और मैं तो एक ही लाइन बोलूँगी क्योंकि सबने बहुत कुछ कह दिया कि हिम्मत है मर्दा मदद खुदा। कंग्रेचुलेशंस आप सबको इस फिल्म के लिए, बहुत बहुत मुबारक हो। और मैं खुद डिप्रेशन से गुजर चुकी हूँ अपनी लाइफ में, तो आई कैन रिलेट टू दिस। और जब मैंने सब्जेक्ट सुना मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी क्योंकि हमारे देश में डिप्रेशन को समझा नहीं जाता, बीमारी नहीं समझी जाती। आज कोविड से जितने लोग मरे उससे कई ज़्यादा लोग, 21 लाख लोग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 21 लाख पीपल हर साल मरते हैं सुसाइड से। तो ये कोरोना से बड़ी बीमारी है पर कोई इसको सीरियसली नहीं लेता बिकॉज हम लोग देसी लोग हैं, हम लोग बोलते हैं अरे कोई नहीं ठीक हो जाएगा यार छोड़ यार रो मत। नो, वो आपको स्लोली स्लोली इफेक्ट करता है और आज हम देख रहे हैं क्या क्या हुआ है, कितने लोगों ने अपनी जान दी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सब्जेक्ट है
जो बहुत अवेयरनेस ला रहा है अबाउट डिप्रेशन, जिसको हम बहुत हल्के में लेते हैं, हम इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेते. इसको सीरियसली लेना चाहिए, ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए जैसे इन्होंने की है फिल्म में. सो इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन. सिद्धांत इज़ अ ही इज़ अ ऑलराउंडर. मैं बहुत हैरान हूँ उस लड़के को देख के कि इस जनरेशन की इतनी अच्छी डिक्शन, इतनी अच्छी नॉलेज अबाउट थिंग्स. महाभारत प्ले में हम जुड़े हैं साथ में एंड आई वॉज रियली इम्प्रेस. मैं पुनीत जी को बोला, मैंने कहा मैं अब आपकी नहीं, अब मैं इसकी फ़ैन हूँ. सो ब्रिलियंट सब्जेक्ट, प्लीज़ देखिए और ये मैसेज